मांगना चाहेंगे। पिछले बुधवार मेरे ख्याल से आप में से बहुत आए होंगे, परंतु प्रचंड वर्षा के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो क्षमा मांगना चाहेंगे उसके लिए। तो दिव्य ज्ञान की व्याख्या चल रही है इस चौथे अध्याय के इन श्लोकों की श्रृंखला में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध श्लोक है, श्लोक क्रमांक 24, जिसमें भगवान अर्जुन को इस एक श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं कि कैसे इस भौतिक संसार में कोई बद्ध जीव आध्यात्मिक संसार को प्राप्त कर सकता है और अपने स्वयं के संसार को आध्यात्मिक कैसे बना सकता है। इस श्लोक के द्वारा भगवान बताए हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना। अनुवाद शिल प्रभुपाद के द्वारा, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो कर्म को कैसे यज्ञ बनाया जाए, इस पूरे श्लोक में हम एक एक शब्द एक एक पंक्ति को लें तो कैसे प्रगति हो रही है एक पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति या योगी या भक्त, जब वो भगवत साक्षात्कार को अपने जीवन के हरेक चरण में कैसे प्राप्त कर सकता है। तो कर्म के बिना तो कोई जीव जी ही नहीं सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो भगवान ने जब कर्म के विषय में कह दिया है कि बिना कर्म किए तो विशेष रूप से हम मनुष्य तो जी ही नहीं सकते, तब फिर उन कर्मों का क्या किया जाए या कैसे वो कर्म किए जाएं? तो ब्रह्मार्पणम और कैसे उसे यज्ञ बनाएं। यहाँ पर अक्सर यज्ञ, जैसे ही ये शब्द हमारे सामने आता है तो हमें एक हवन कुंड दिखाई देता होगा, एक पुरोहित जो कि हवि अर्थात सामग्री उस हवन कुंड में डाल रहा है मंत्रोच्चारण द्वारा, हाँ उसे यज्ञ कहते हैं। परंतु यहाँ भगवान हमारे हरे कर्म और विशेष रूप से अर्जुन का युद्ध लड़ना, उसे भगवान यज्ञ कह रहे हैं, और पूरी कुरुक्षेत्र की रणभूमि को हवन कुंड बना लिया है और इन कौरवों की आहुति अर्जुन देंगे अपने बाणों के द्वारा इस हवन कुंड में स्वाहा करते हुए। और इस यज्ञ में, जैसे किसी भी यज्ञ में हरेक वस्तु पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, जो व्यक्ति मंत्रोच्चारण कर रहा है, जिसकी आहुति दे रहा है, जो वहाँ पर उपस्थित हैं यजमान इत्यादि, वो सब शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कुछ इसी प्रकार का एक दृश्य देखा गया। तो ये एक राजा हुए, राजा सुरथ, पद्म पुराण के पाताल खंड में इनके विषय में वर्णन है कि
जब प्रभु श्री राम अब लौट चुके हैं अयोध्या और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व को भेजा जाता है और जितने आसपास के राजा होते हैं वो स्वीकार करते हैं कि ठीक है ये सम्राट, मैं इस सम्राट के साथ संधि कर कर अपना राज्य करूँगा या अपना राज्य मैं इस सम्राट को, इस राजा को समर्पित करूँगा। तो वो अपनी सम्मति देते हैं उस अश्व के द्वारा, परंतु ये राजा सुरथ, इनका भगवान श्री राम के प्रति जो प्रेम बहुत ही विशेष था, तो वो उस अश्व को अपने कब्जे में रख लिए और शत्रुघ्न जो कि गए थे उस अश्व को लेकर, तो शत्रुघ्न को भी अपने कब्जे में कर लिया। क्यों? थे वो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त, परंतु उन्होंने रामचंद्र जी द्वारा भेजा गया अश्व और रामचंद्र जी के ही भाई शत्रुघ्न उनको गिरफ्तार कर लिया ताकि रामचंद्र जी आए, और जब रामचंद्र जी आएंगे तब फिर वो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के पश्चात अपना सर्वस्व उनको अर्पित करेंगे। तो बहुत विशेष उनकी राम भक्ति रही। तो हमने जीव ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, श्री प्रभुपाद ने इस पर बहुत से अपने प्रवचन दिए हैं और बहुत जोर दिया, क्योंकि उस समय और आज भी भारत में और विदेश में जो भी प्रचारक भारत से गए अध्यात्म का, वैदिक संस्कृति का प्रचार करने के लिए, अधिकांश वो जीव को और भगवान को एक ही बताते हुए, जिसे प्रभुपाद कहा करते थे मायावाद, कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर भगवान इस श्लोक के द्वारा ऐसा लगता है कि जीव और ब्रह्म या जीव ब्रह्म और परब्रह्म में कोई अंतर नहीं बता रहे, परंतु ये हमारे जो आचार्य हैं जब वो विश्लेषण करते हैं ऐसे श्लोकों का, तो वो बताते हैं कि कैसे इन सब उदाहरणों के द्वारा जीव ब्रह्म और परब्रह्म में अंतर है। फिर एक और बहुत विशेष पहलू, ब्रह्म हवि अर्थात ये जो पूर्ण ज्ञान में स्थित भक्त या अपने आप को जिसने ब्रह्म समर्पित कर दिया है, वो जो सामग्री इस्तेमाल करता है, यहाँ पर केवल कृष्ण कथा श्रवण करने का जो कार्य है, इस कार्य को ब्रह्म हवि कहा गया है। तो हमने ये सारे उदाहरण लिए थे कि कर्ण जो है ये एक इतने महत्वपूर्ण हमारी इंद्रिय है कि इस इंद्रिय के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना और पूरी सृष्टि का संहार, और उसमें हम जो हैं, हमारी सृष्टि और हमारी सृष्टि का संहार, पालन इत्यादि सब कुछ इसमें समाया है। तो यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो इसका शेप बनता है ये हमारे हृदय के शेप के अनुसार है, इसलिए अंग्रेजी का ये जो शब्द है इसके मध्य में ईयर, जिसे कान कहते हैं। ये सब रिकैप हमारा चल रहा है बाय द वे, क्योंकि बहुत हफ्ते हुए इसलिए कलयुग के हम जीव हैं, भूल जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि शब्द से भौतिक सृष्टि की रचना हुई है, तो ये उदाहरण हमने लिया था कि जब कोई जज है वो किसी को सेंटेंस देता है, करार देता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, आजीवन कारावास से दिया जाए, तो जब जज उन शब्दों का उच्चारण करता है उसे कहते हैं परफॉर्मेटिव अटरेंस, क्योंकि जज उस व्यक्ति ने जज के सीट पर बैठकर और जब कार्यवाही चल रही थी
उसके पश्चात जब निष्कर्ष पर आने के बाद वो जब अपना निर्णय सुनाता है तो वो निर्णय केवल खाली शब्द नहीं होते, उसके पीछे तुरंत पूरा पुलिस फोर्स और पूरी कानून व्यवस्था लग जाती है उसे दंड देने के लिए। तो यहां पर शब्दों में जो वजन है ये बताया गया है। तो कृष्ण कथा श्रवण के चार स्तर ये, आकस्मिक श्रवण, कोई कौतूहल कि ये क्या ये लोग वैदिक शास्त्रों से इतना सुनते हैं सुनाते हैं, जिज्ञासा पूर्ण, और कई श्रवण करने आते हैं कि कुछ इच्छा होती है, कुछ फल प्राप्त करने हैं, जीवन के हमारे संघर्षों से जूझते हुए जब हम भौतिक इच्छाओं के साथ और अपने भौतिक सपनों को पूरा करते हुए कहीं और कुछ आशा की किरण नहीं दिखती है तो फाइनली फिर भगवान के मंदिर में आकर घंटा बजाते हुए अब तू ही मेरा सहारा है, अब कोई दवा काम नहीं कर रही, अब दुआ काम करेगी। और उद्देश्य पूर्ण श्रवण जो कि आइडियली हमारा श्रवण होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण श्रवण। अब देखिए भगवद गीता का श्रवण किया तीन व्यक्तियों ने विशेष तौर पर, एक धृतराष्ट्र, डायरेक्टली उस समय धृतराष्ट्र भी श्रवण कर रहे थे, संजय और अर्जुन। लेकिन देखो एक ही भगवद गीता धृतराष्ट्र ने जब सुनी कोई फर्क नहीं पड़ा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र लगा हुआ था अपनी आसक्ति में कि मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ, ये जो उसका पहला प्रश्न था, इस प्रश्न मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, इस प्रश्न को कई लोगों ने इसका परिहास किया है, हमारे आचार्यों ने तो बहुत इसमें गुड टीकाएं लिखी हैं, परंतु कई लोगों ने इस प्रश्न के ऊपर कि धृतराष्ट्र का ये प्रश्न ये हास्यजनक है, रणभूमि पूरी सजी हुई है, रणभूमि सजना मतलब योद्धा, रणभूमि को सजाना मतलब योद्धाओं से सजाना, अस्त्र शस्त्रों से सजाना, और अब वहां पर क्या होने वाला है और कुछ नहीं, सब जानते हैं कि वो लोग वहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, जैसे कि बुधवार के कार्यक्रम में आप लोग सब आए। अब यहाँ पर कोई यदि ये प्रश्न पूछे कि बुधवार के शाम 7:45 बजे आप लोग सब एकत्रित हुए राधा मदन गोपाल मंदिर में, क्या किया? डांडिया खेला, किटी पार्टी की? नहीं, इस मंदिर में ऑब्वियसली, जैसे अगर एक और उदाहरण दे कि मंदिर में आप आए हैं और हमारे जन्माष्टमी के पश्चात नंदोत्सव का फीस्ट सबको सर्व किया गया, या बुधवार के कार्यक्रम के बाद फीस्ट सर्व किया गया, तो फिर करीब 8 आइटम फीस्ट में, और वो भी आपके पसंदीदा आइटम्स, और बहुत समय बाद आप बुधवार के कार्यक्रम में इस प्रकार का फीस्ट खाने मिला है आपको, और आप लाइन में भी आगे थे, आइटम्स भी ख़त्म नहीं हुए, प्रचुर मात्रा में सर्वर आपको सर्व किया क्योंकि वो आपको अच्छे से जानता है, आपको पसंद भी करता है, और आपने मुस्कुरा कर प्रभु जी आज आप सर्व कर रहे हैं, क्या भाग्य है आज हमारा आपके हाथों खाने मिलेगा, तो फिर वो और 2 गुलाब जामुन और डाल देता है। तो कल्पना कीजिए कि आप
के सामने आपने पूरी प्रसादम फीस्ट प्लेट रखी, सब लोग बैठे, महाप्रसादे प्रेयर्स हुआ, और फिर धृतराज जैसा कोई प्रश्न पूछता है, फिर भक्तों ने क्या किया? अरे क्या किया? कोई उसकी आरती उतारेगा? खाया, और क्या किया? तो धृतराष्ट्र इतना आसक्त था कि वो युद्ध के पहले, युद्ध के दौरान, युद्ध के पश्चात भी धृतराष्ट्र अपनी आसक्ति नहीं छोड़ पाया। इतना सब कुछ देखने सुनने के बावजूद, तो कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, कई लोग इतने समय से बुधवार कार्यक्रम में आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम ये श्रवण क्लब के कौन से श्रेणी में, कौन से क्लब को ज्वाइन किए, धृतराष्ट्र क्लब, संजय क्लब। अच्छा, संजय क्लब क्या है? कि संजय वो श्रवण किए और उन्होंने ठीक ठीक एज इट इज और अपना भी मत धृतराष्ट्र को सुनाया, लेकिन धृतराष्ट्र की सेवा छोड़ नहीं सके क्योंकि दाना पानी वहां से मिल रहा था। तो कई बार हम श्रवण करने आते हैं तो संजय के क्लब में अधिकांश देखे जाते हैं कि हाँ सब पसंद है, बहुत एकदम बात जो है पल्ले पड़ रही है, नोट्स भी निकाल लिए, दूसरों को भी नोट्स दिखा दिए, बोला बस जो बोला वो वेद वाक्य है, अल्टीमेट है, इसके अलावा और कुछ इसके ऊपर नहीं है, समझ गया। लेकिन फिर धृतराष्ट्र की नौकरी नहीं छोड़ सकते क्योंकि दाना पानी वहीं से मिल रहा है। कई बार थोड़ा धृतराष्ट्र को जाके बोल देते हैं कि नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो, लेकिन ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में नहीं बोलते क्योंकि नौकरी से निकाल दिया तो फिर यहाँ पर तो खाली हफ्ते में एक बार मिलता है। हाँ, पूरे हफ्ते भर, महीने भर, जिंदगी भर, और वो भी सारे परिवार को कौन उसका पालन पोषण करेगा। लेकिन अर्जुन क्लब जो है श्रवण के, वो है असल में जो श्रोता अर्जुन, कि उन्होंने श्रवण करने के पश्चात उसे अपने जीवन में उद्देश्य पूर्ण श्रवण, तो वो अर्जुन का उसके पश्चात जो उन्होंने अपने कर्मों में उस श्रवण को उतारा। तो जीवात्मा की चेतना के ये पांच स्तर बताए गए हैं, तो इन्हें यदि हम समझ लें तो एक हमें श्रृंखला समझ में आएगी, एक ग्राफ समझ में आएगा, एक प्रोग्रेशन समझ में आएगा कि चेतना का विकास कैसे होता है और कैसे होना चाहिए जीवों के संदर्भ में, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उन सब के संदर्भ में, और विशेष रूप से हम मनुष्यों के संदर्भ में। तो सबसे जो निचले स्तर पर जिनकी चेतना बताई गई है वो हैं जो वृक्ष इत्यादि, पेड़ पौधे, वृक्ष इत्यादि, तो उनकी चेतना आच्छादित चेतना बताई गई, आच्छादित अर्थात ढकी हुई। और कितनी ढकी हुई? आत्मा है, सारे जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे, आप लताएं, इन सब को देखो, इन सब के अंदर आत्मा है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है, जैसे ब्रह्मा जी के अंदर आत्मा है, देवराज इंद्र के अंदर आत्मा है, उसी प्रकार भगवान का अंश जीवात्मा इन वृक्षों के अंदर भी है, एक लता के अंदर भी है, एक छोटे से पौधे के अंदर भी है, परंतु
वो आत्मा के ऊपर आवरण इतना गहरा है, इतना गहरा है। और इसलिए ये बताया जाता है कि जब जीव बहुत ज़्यादा अपने बद्ध अवस्था में आवृत रहता है तो उसकी शुरुआत होती है इन वृक्ष की योनियों से। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें कि किस प्रकार की विकट परिस्थिति है आत्मा की इस वृक्ष की योनि के अंदर। हम लोग सब यहां पर मनुष्य शरीर के अंदर, हमारा आत्मा इस मनुष्य शरीर के अंदर है जो कि सबसे इवॉल्व स्पीशीज बताया गया। परंतु आप कल्पना कीजिए कि एक ऐसा जीवन जहां पर एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सालों साल, कई वृक्ष तो हजारों साल तक एक जगह से हिले नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग पिछले आधे घंटे में या 45 मिनट में इस कुर्सी पे बैठे बैठे कितना हिल गए। हाँ, कुर्सी भी सोच रही होगी, अरे मैं नहीं हिल रही, क्यों हिला रहे हो इतना, मुझे बनाया गया है तुमको बिठाने के लिए एक जगह पर, बैठो कम से कम, मेरे बनाने का उद्देश्य तो पूरा करो। लेकिन कल्पना करो कि हमें कोई इस प्रकार की कैद में रख दे जहां पर हजारों साल तक एक जगह पर, और ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एयर कंडीशनिंग या बहुत अच्छे बंगले के अंदर, नहीं, खुले में कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सहिष्णुता का उदाहरण जब देना चाहा तो उन्होंने वृक्ष का उदाहरण लिया कि वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु कोई योनि नहीं दिखती इस पूरी सृष्टि में। अच्छा, ये तो एक जगह से हिल नहीं सकते, एक जगह पर स्थित, वहां से हिल नहीं सकते, और उसके साथ साथ कोई इंद्रियां ही नहीं है। कल्पना कीजिए फिर से, हम लोग सब हमारी इंद्रियों को लेकर कितना संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां जो कि इतनी विकसित हैं हमारी दूसरे योनियों की तुलना में, जिसके वजह से क्या कुछ नहीं हम अनुभव कर सकते जो कि बाकी जीव नहीं कर सकते। अभी आंखों के लिए वृक्ष के पास क्या है देखने के लिए, आंखें ही नहीं है। हम लोग, हमारी ये दो छोटी छोटी आंखें, इन दो छोटी छोटी आंखों को संतुष्ट करने के लिए हमने कितने बड़े बड़े साम्राज्य या कंपनीज और क्या क्या नहीं खोल रखा है केवल इन आंखों को संतुष्ट करने के लिए। और बाकी इंद्रियां, अब उन सब की सूची अगर निकालें तो फिर हम चारों ओर देखेंगे कि पता नहीं हम लोगों ने हमारी इन पांच इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमने, जिसको कहते हैं कि पिलर टू पोस्ट, इतने जोखिम उठाए और इतने आविष्कार किए और इतनी मेहनत की है, इतनी कसरत की है। और एक तरफ है ये वृक्ष, न तो कोई कान है, न तो कोई आंख है, न कोई जिह्वा है, न कोई और बाकी इंद्रियां। इसलिए भागवत में वृक्षों का एक और नाम है पादप। एक ही चीज वो कर पाते हैं। पादप का अर्थ है कि जो अपने पैरों से खाना ग्रहण करते हैं। खाना क्या है उनका? पानी, जल। और आप वृक्ष को कुछ नहीं दे सकते, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, कोई मिसल पाव, कुछ नहीं दे सकते, किसी काम का नहीं है सारी चीजें उसके लिए। हाँ, उससे निकाल निकाल के हम बनाते हैं,
वृक्षों से तोड़ तोड़ के हम ये सब हमारे लिए बनाते रहते, परंतु वृक्षों का खाद्य पदार्थ क्या है? केवल जल। और कैसे खाते हैं? ऐसा नहीं कि उनके कोई मुख है जहां मुख में किसी ना किसी प्रकार से कोई डाल, नहीं, उनकी जड़ों में, अर्थात ये कहा गया है पादप की, अपने पैरों, अगर उसको हम पैर समझें या पैर कहा गया है तो पैरों से। अब कल्पना कीजिए, हमें आज का डिनर बोला जाए कहाँ से खाना है? पैरों से खाना है। कैसे लग, चेहरे भी कैसे दिख रहे हैं देखो लोगों के, ये सुन के क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम, हो सकता है हम भी कभी वृक्ष रहे होंगे और इसी प्रकार से रोज, और ऐसा नहीं कि भूख लगे तो वृक्ष चिल्ला के किसी को बोले कि अरे भाई भूख लगी है, तुम बैठे हो पिछले 3 घंटे से मेरे छांव में सो रहे हो, कम से कम एक लोटा पानी तो दो मुझे पीने के लिए। कभी वृक्ष मांग भी नहीं सकता कुछ, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो। और ऐसे ऐसे जगहों पर जहाँ पर, यहाँ पर तो अभी इतनी वर्षा हो रही है, परंतु ऐसे ऐसे जहाँ अकाल पड़ता है या फिर रेगिस्तान में जहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई पानी नहीं, एक बूंद पानी नहीं, वहाँ पर भी वो जी रहे हैं सालों से, वहाँ पर भी जी रहे। इसको कहते हैं आच्छादित, आच्छादित चेतना। फिर आत्मा जब वहां से अग्रसर होता है, आच्छादित चेतना या वृक्षों की योनि से थोड़ा ऊपर उठता है, एवोल्यूशन जिसको कहते हैं, तब फिर संकुचित चेतना, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, और ये है जो जानवर थोड़ा हिल सकते हैं यहाँ वहाँ, उनके कुछ इंद्रियां हैं जिनके द्वारा वो कुछ विषय वस्तु का अनुभव कर सकते हैं, तो ये बाकी के सारे जो हिलते डुलते स्थावर जंगम जिसको कहते हैं, तो स्थावर अर्थात ये वृक्ष इत्यादि, जंगम मतलब जो हिलने डुलने वाले, तो अब हिलने डुलने वाले, अब इनके अंदर कम से कम इनको एक जगह से दूसरे जगह जाने की कुछ शक्ति दी है, कुछ इंद्रियां दी हैं, कुछ ऐसा शरीर दिया है कि ये कुछ तो अनुभव कर सकते हैं इस प्रकृति के विषय वस्तु को, थोड़ी सी स्वतंत्रता। जैसे वृक्ष के अंदर स्वतंत्रता बहुत कम, नील के बराबर है स्वतंत्रता, लेकिन यहां पर इनकी स्वतंत्रता थोड़ी दिखती है, इन प्राणियों की स्वतंत्रता दिखती है, परंतु फिर भी इनकी जो चेतना है, हाँ इनका शरीर और इनकी इंद्रियां, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी फ्रीडम, स्वतंत्रता दिखेगी, परंतु चेतना के अंदर उनकी चेतना फिर से घूम फिर कर जो भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, जो भी शक्ति है, वो सब घूम फिर कर किसके लिए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, बस इसके लिए। इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस कहा गया। और फिर यहां से मनुष्य योनि प्रारंभ होती है। पिछले जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें केवल बाकी की योनियां, अब मुकुलित चेतना, अर्थात कि अब हम या जो आत्मा है वो वृक्ष की योनि से जानवर की योनि, जानवर की योनि से अब मनुष्य की योनि में पहुंचा है, लेकिन पूर्ण विकसित चेतना नहीं हुई है, ब्लॉसमिंग की, जैसे कली से अब फूल वो खिलना प्रारंभ किया है, बस प्रारंभ किया है खिलना, तो पूर्ण जो प्रफुल्लित फूल है, खिला हुआ फूल है, और कली के बीच की जो स्टेज होती है उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। कि ठीक है, बहुत से हम देखते हैं मनुष्य हैं, उनको आप आत्मा के विषय में बोलो, आप उनको अध्यात्म के विषय में बोलो,
तो कई बार पढ़े लिखे होंगे, बहुत से डिग्री होल्डर्स होंगे, कई पीएचडी भी होंगे, परंतु शरीर और आत्मा में डिफरेंस क्या है वो तक समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो चेतना जो है वो अभी तक वो पशुवत चेतना बनी हुई है, और जैसे पशु बहुत बुद्धिमान दिखते होंगे कई बार, जैसे कई कुत्ते जो हैं बहुत इंटेलिजेंट दिखते होंगे, कई हमने ऐसे वीडियोस दिखाए जहाँ पर कुत्ते कौवे बहुत इंटेलिजेंटली क्या ढूंढ लेते हैं, अपना खाना पीना ढूंढ लेते हैं, किसी कातिल को ढूंढ लेते हैं, परंतु सर्कस के अंदर आप देखो जानवर जो जो करतब करते हैं वो करतब ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य भी नहीं कर पाए, और इतने आज्ञाकारी, वफादारी, और एक चुटकी पर उनको इशारा कर दो तो इशारे पे वो समझ जाते हैं कि क्या करना है, परंतु फाइनली क्या है, उनको जो वो रिंग मास्टर बिस्किट दे रहा है उनका फोकस घूम फिर के। तो वैसे ही मुखलित चेतना में भी मनुष्य जो है पीएचडी होल्डर होगा, बुद्धिमान होगा, ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसका आविष्कार कर सकता है, उसका आविष्कार कर सकता है, लेकिन किस लिए, फाइनली किस लिए कर रहा है, घूम फिर कर आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो है मुकुलित चेतना। फिर जब धीरे धीरे उसे समझ में आता है, नहीं भाई ये भौतिक संसार जो है ये आहार निद्रा भय मैथुन में ही हमें फंसा के रखने वाला है, यहां से बाहर निकलना ये उद्देश्य है, मतलब अब पूरे सेंट्रल जेल में एक कैदी को समझ में आया कि हम सब कैद में हैं। इमेजिन करो सेंट्रल जेल में जितने कैदी हैं किसी को पता ही नहीं है कि वो सेंट्रल जेल में, और उनको क्या लग रहा है वो सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, और बहुत ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, लेकिन फाइनली उनमें से जो डेवलप्ड कॉन्शियसनेस वाला बंदा है उसे समझ में आया ये तो कुछ गड़बड़ है, इतने समय से झांसे में रखा गया है, अब समझ में आया कि हम लोग सब कैदी हैं यहाँ पे। तो वो जब जाके दूसरों को कहता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना, आप लोग जब शुरुआत में आते थे प्रवचन में यहाँ पर तो फिर विश्वास नहीं होता, कैदी, मैं कैदी हूँ, अरे मेरे अंदर इतनी स्वतंत्रता है, मैं कहीं पर भी मेरी इच्छा हो मैं जा सकता हूँ, खा सकता हूँ, देख सकता हूँ, और यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये जीवन क्षण भंगुर है, हम लोग तीन गुणों के अधीन हैं, फिर ये शरीर, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो शुरुआत में वो पचती नहीं बात, फिर यहाँ से सुन के जब बाहर जाके थपेड़े खाते हैं, पहले भी खाते थे लेकिन अब समझ में आया कि हाँ जो उधर सुना था ये घर पे देखने मिल रहा है, समाज में देखने मिल रहा है, टीवी के ऊपर ये सब कुछ देखने सुनने मिल रहा है, न्यूज़पेपर के अंदर देखने सुनने मिल रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगता है। तो जब कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगता है और फिर जैसे हमने कहा एक कैदी को साक्षात्कार हो गया कि सभी इसमें कैद में बंद है, वो जब दूसरे को बताने जाता है तो दूसरा कैदी पागल है, बोलता है हम लोग सब कैद में बंद है, इसको पागल खाने भेजो, है ना। तो आप लोग जब जब आपके रिश्तेदारों को बताने जाते हैं तो पहला अनुभव क्या होता है, अरे तरस खाते हैं आपके ऊपर, तरस खाते हैं, बेचारा पता नहीं अब इसका क्या होगा। परंतु यहां से जब कोई निश्चित कर लेता है कि मैं इस भौतिक संसार में अब एक भी जीवन नहीं जीना चाहता, और वो अपना पूरा जीवन ढाल लेता है
जैसे कि आज का जो श्लोक है कि वो ब्रह्ममय बना देता है अपना पूरा जीवन, वो है फुल्ली डेवलप्ड कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग। तो हम जब गीता कोर्सेज लेते थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो वहाँ पर एक हमने एक्सरसाइज करी थी। यार अभी तो हमारे पास उतने सब साधन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये एक्सरसाइज क्या थी। एक्सरसाइज थी कि सुई में धागा पिरोना है ना। सब लोग यहाँ पर किए सुई में धागा पिरोए, सब लोग किए। तो अब देखिए कि सुई में धागा पिरोना हम लेते हैं तुरंत नहीं, एक बार में बहुत कम होंगे जो एक बार में उसको पिरो देते होंगे। उसको थूक लगाना पड़ता है, फिर थोड़ा उसको पॉइंटेड करना पड़ता है, फिर वो सुई ध्यान से, अगर आपको चश्मा नहीं लगा हुआ है तो फिर दिखाई देगा कि सीधी पकड़ी की उल्टी पकड़ी सुई। फिर कई बार तो यहाँ वहाँ ऐसा यहाँ से दिख रहा है कि अंदर जा रहा है, इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन एक दो अटेम्प्ट के बाद में धागा हम डाल देते हैं उसके। तो हमने सबको पूछा कि कर सकते हैं कौन, आकर यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने आकर डेमोन्स्ट्रेट किया, ये देखो पहले अटेम्प्ट पे बताओ क्या मिलेगा। फिर हमने उनको जो सर्जन के ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स दस्ताने जो सर्जन्स यूज़ करते हैं ऑपरेशन के समय, सर्जिकल ग्लव्स जो एकदम जिसको कहते हैं स्किन टाइट होते हैं, वो हमने दिया। तो उसमें उंगलियों की मूवमेंट, क्योंकि सर्जन को ऑपरेशन करना है तो वो सब खून खराबा जो होगा वो सब नहीं लगे यहाँ वहाँ, और कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर नहीं जाए, तो इसके लिए वो सब ये पहनते हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी पतली पतली नसें काटनी पड़ती हैं, इसलिए वो ग्लव्स जो दस्ताने जो होते हैं एकदम फाइन होते हैं, ताकि उनकी उंगलियों की मूवमेंट वो बराबर हो। अगर उंगलियों की मूवमेंट बराबर नहीं हो, वैसे यहाँ वहाँ कुछ कट गया तो पेशेंट भी मूव नहीं करेगा फिर। तो सर्जिकल ग्लव्स हमने रखे थे, तो सर्जिकल ग्लव्स दिए, वो भी पहन के उन्होंने जो सुई में धागा पिरो दिया आसानी से। फिर उसके बाद में हमने कहा चलो बहुत खुश हो रहे हो, अभी तुम्हारे दस्ताने बदलेंगे हम, वही तुम्हारी हथेली, वही तुम्हारे पांच हाथ, अब इसके ऊपर तुम पहनोगे विकेट कीपिंग ग्लव्स। क्रिकेट के अंदर जो विकेट कीपर्स ग्लव्स पहनते वो पहनोगे। तो वो जब पहन के उनको वही धागा और सुई दिया, अब ट्राई करो तो कैसे पकड़ेंगे उसको, उसमें तो खाली गेंद पकड़ सकते हैं बड़ी बड़ी, ये तो कुछ नहीं। उसके बाद हमने उनको बॉक्सिंग ग्लव्स दी, जो मुक्का मारते हैं बॉक्सिंग, तो वो वाले ग्लव्स दिए। तो उसमें न तो तुम सुई पकड़ सकते हो न धागा पकड़ सकते हो, उसमें एक ही काम होता है खाली। बॉक्सिंग ग्लव्स जो पहनता है वो बंदा एक ही काम कर सकता है बस। कभी आपने देखा है बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर्स बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए सुई में धागा पिरो रहे हैं? नहीं हो सकता। तो ये हमने एग्जाम्पल दिया कि उसी प्रकार से जो आच्छादित चेतना वाले हैं, या पूर्ण आच्छादित जिसको कहेंगे, पूर्ण आच्छादित चेतना वाले वो कैसे हैं, उंगलियां वही हैं हमारी, आत्मा वही है। आत्मा के ऊपर जब बॉक्सिंग ग्लव्स चढ़ा दिया तो वो वृक्ष की योनि हो गया, और फिर विकेट कीपिंग ग्लव्स वो जानवर की योनि, बैट्समैन का ग्लव्स, अच्छा बीच में बैट्समैन का ग्लव्स भी ले सकते हैं, बैट्समैन के ग्लव्स में थोड़ी उंगलियां हिलती हैं,
बैट पकड़ने के लिए, वो हो गया वो मुकुलित चेतना, ऐसे कर, सर्जिकल ग्लव्स हो गया विकसित चेतना, और पूरा ग्लव्स निकाल के साफ सुथरे हाथों से जब कोई सुई परोसता है वो है पूर्ण विकसित चेतना। अब हमको डिसाइड करना है आत्मा हमारा सबका वही है, हमारे सबके ऊपर कौन कौन से दस्ताने चढ़े हुए हैं, सुई में धागा पिरोना है वो है भगवत धाम को प्राप्त करना, और यदि उसे सफलता पूर्वक करना है तो फिर हमें हमारे दस्ताने बदलने होंगे, न केवल दस्ताने बदलने होंगे दस्ताने उतारने होंगे। ये एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे इसके संदर्भ में, जैसे कि मैंने कहा आनंद मयोभ्यासा, जीव वो चाहे किसी भी योनि में हो वो फाइनली आनंद ढूंढ रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक के प्रेफेस में लिखा, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, जो कि परम आनंद घन है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट सम डू नॉट नो इट। तो जब हम यदि इन योनियों के अंदर भी आनंद खोज रहे थे, और अभी तो कितना खोजते रहते हैं, और न केवल खोजते रहते हैं बल्कि उस आनंद का निर्माण करते रहते हैं, ये तो बेचारे उसका निर्माण नहीं कर सकते जो अवेलेबल है, उसमें यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत मिल जाए बस, हम तो उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पूरी जो जीवन की कहानी किस प्रकार की होनी चाहिए जो है, यहाँ पर इस एक स्लाइड के अंदर हम सबको भगवत साक्षात्कार करना है, मनुष्य होने के नाते तो अवश्य ही, अर्थात भगवान को प्राप्त करना। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भाग्यवान होना होगा। भाग्यवान का अर्थ क्या होता है, जिस केवल पत्नी को भाग्यवान नहीं कहा जाता है, तो भाग्यवान का अर्थ ये है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है वो है भाग्यवान। तो भाग्यवान से पहले आपको श्रद्धावान होना है। अब ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, जो कि आप देखते हो कि अघवान से भाग्यवान के बीच का जो सफर है हमारा। अघवान का, अघ का अर्थ होता है संस्कृत में पाप। तो पाप को जो धारण किए हुए जीव उसको कहते हैं अघवान। जैसे सारे षड ऐश्वर्य को जो धारण किए हुए हैं वो हैं भगवान, जो विद्या को धारण किए उसको बोलते हैं विद्यावान, जो शक्ति को रूप को रूपवान उसको कहेंगे। वैसे यहाँ पर जो पाप के साथ पैदा हुआ, हम सब जब तक ये हमारा शरीर है, मतलब हमने कुछ न कुछ पिछले जन्म में ऐसे काम किए जिसके वजह से ये किसकी वर्दी है, ये कैदी की वर्दी, ये शरीर क्या है, कैदी की वर्दी है बस। तो अघवान, और वहां से जब कोई थोड़ा बहुत पुण्य कर लेता है, पुण्य संचित कर लेता है, तो वो पुण्यवान होता है, और पुण्यवान व्यक्ति फिर धीरे धीरे भगवत साक्षात्कार या भगवान में श्रद्धा अपनी दिखाना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य के जिह्वा के अग्र भाग पर यदि भगवान का आधा भी नाम आ जाए, जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस तपुस्ते जुहुवु सश्नुरार्य। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान का नाम जिह्वा के अग्र भाग पर जिसका आ गया, उसने अपने पिछले जन्म में पता नहीं कितने पुण्य किए होंगे,
कितने तीर्थयाटन किए होंगे, कितने दान दक्षिणाएं दी होंगी। तो कल्पना कीजिए, यहाँ पर आप लोग सब इतने समय से साधना करते हुए यहाँ पर कार्यक्रमों में आते हो, आपके जिह्वा पर भगवान का नाम कितनी बार निकला होगा, जिह्वा के अग्र भाग पर निकला है? अभी निकाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भागवत के श्लोक के अनुसार यहां पर उपस्थित आप लोग सब बहुत महान पुण्यवान व्यक्ति हैं आप लोग। और क्या क्या आप कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या डिग्रियां हासिल करे हुए यहां पर बैठे हुए हैं, जितने सारे तीर्थ यात्राएं, जितने वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उन सब को पढ़ लिख कर समझ कर आप लोग आए हैं यहाँ पे। ये बात अलग है कि भूल गए होंगे पिछले जन्म में जब एक लोगों ने पढ़ा था। जितने अलग अलग दान दक्षिणाएं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, निस्वार्थ जीवन जीना, ये सब कुछ जिसने किया हुआ है उसी के जिह्वा पर ये भगवान का नाम आ सकता है। और उसके आधार पर आप लोग जो यहां पर आते हो भगवान को जानने के लिए, अपने स्वयं के मनुष्य जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, तो आपके अंदर क्या है, श्रद्धा। और ये पूंजी होना, श्रद्धावान होना, ये बहुत दुर्लभ है। विशेष रूप से इस कलयुग में श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ है। और वो भी किस में श्रद्धा, अगर ये शब्द तो बाहर भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं कि हमें इंद्रिय भोग में बहुत श्रद्धा है और दिखता भी है। आप जाओ सिटी सेंटर मॉल, इतना बड़ा क्यों बना है ये, बड़े बड़े मॉल इतने बड़े क्यों बनाए, क्योंकि लोगों के अंदर श्रद्धा है कि वहां जाकर हमें कुछ इंद्रिय भोग मिलेगा। उस श्रद्धा से लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है कि नहीं? और सिटी सेंटर मॉल जो कि इतना बड़ा बनाया है, और वहां पर आप मेरे ख्याल से पार्किंग के पैसे भी देने पड़ते होंगे, कोई फ्री में पार्किंग नहीं मिलता। हाँ, ऐसे अगर बाहर में हम जा रहे थे तो गाड़ियां बाहर लगाई हुई वो टो कर कर ले जा रहे हैं, क्या बोलते हैं आप, टोत्सन है ना, वो ले जा रहे हैं गाड़ियों को गलत तरीके से। तो उधर आपको अंदर भी जाना है तो पार्किंग के भी पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, एक बार आप सिटी सेंटर मॉल में अंदर चले गए तो सारी जो दुकानें वहाँ पर सजी धजी दुकानें वो मतलब आपको आइए आइए आप ही के लिए खोल रखी है, जो चाहिए ले जाइए। मतलब पहले दुकानें कैसी होती थी कि सेल्समैन होता था, हाँ दुकानदार होता था, गल्ले पे बैठा ये वो, फिर बाद में वो आपको साहब क्या दिखाएं आपको, तो फिर वो आप बोलो कि ये ऐसा शर्ट चाहिए, ऐसा सूटिंग शर्टिंग जो भी दिखाओ, तो वो फिर अलग अलग सैंपल दिया। अभी आजकल क्या है, आप ही ले लो वो टोकरी हाथ में लेके डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो इसके, और कईयों को लगता है कि कोई देख ही नहीं रहा है सब। अरे फिर पता चलता है सीसीटीवी सब जगह पर है, एक भी एक पिन भी बिना पैसा दिए निकले सारा सिक्योरिटी वहां पे आ जाएगा, और फिर वो बताएंगे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। कोई भी फ्री नहीं है, हर चीज का पैसा भरना है आपको, हर चीज का पैसा भरना है।
बच्चे, मेरे ख्याल से वहां पे वो प्ले एरिया होता है, बच्चे खेलने भी जाते हैं, तो वहां पर भी पैसा भर के खेलो, तुमको फुग्गे के साथ खेलना है, उसके बॉल के ऊपर बैठना है, उसको लात मारना है, जो भी करना है सब पैसे भरो पहले, और उसके लिए लाइन लगी हुई है, यहां पे तो फ्री है, हाँ यहां पे तो फ्री है, लेकिन फिर भी कितने सारे प्रश्न होते हैं, क्यों फ्री क्यों है? सबसे पहला प्रश्न है फ्री क्यों है? यहां पे सब जगह पर पैसे लिए जाते हैं, यहां पर फ्री क्यों है? क्योंकि पेमेंट अलग तरीके का है यहां पे, है ना? पेमेंट वो आपके बटवे से नहीं, पेमेंट भगवान कहां से मांगते हैं? कलेजे से। भगवान कहते हैं मुझे तेरा बटवा नहीं चाहिए, मुझे तेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, मुझे तेरा डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तेरा जो हृदय है ना, तेरा जो कलेजा है वो चाहिए। और वो हाँ, वो सबसे मुश्किल है देना, इसलिए बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं यहां पर आके। उसके लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तब जाकर भगवान मिलेंगे। नहीं तो क्या, नहीं तो केवल कपड़े मिल जाएंगे यहाँ वहाँ मॉल में, वो सब मिल जाएगा, आप फिर हो क्या जाओगे कि वस्त्रवान, वस्त्रवान हो सकते हो परंतु भाग्यवान नहीं हो सकते। तो जैसे मृगारी का उदाहरण है, अब देखो मृगारी, इस पूरे जो हमने श्रृंखला दी है, मृगारी उसका ज्वलंत उदाहरण है। अघवान था मृगारी, अधमरा कर कर तड़प तड़प कर मारता था जानवरों को। तो नारद मुनि का जब संग मिला, तो नारद मुनि के क्षण मात्र संग से, जैसे कहा जाता है कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग, तो लव मात्र साधु संग जो मिला मृगारी को, तो पुण्यवान की कैटेगरी में आ गया वो। और नारद मुनि ने जब उसे कहा कि तू सबसे पहले अपना ये धनुष बाण तोड़, जो कि उसकी जीविका उस पर चलती थी, तो वहां पर श्रद्धावान हुआ, उसने विश्वास किया नारद मुनि कि ये व्यक्ति मुझे सच्चा लगता है, ये व्यक्ति मेरा हितैषी लगता है, तो उसने वो अपने धनुष बाण तोड़ दिए। ये नहीं, नारद मुनि ने पहले ये नहीं बताया कि तोड़ने के बाद मैं कैसे तेरा सारा अरेंजमेंट करके दूंगा, नहीं, नारद मुनि कहा पहले तोड़, तुझे मुझ पर विश्वास है क्या? तोड़, तोड़ दिया। और उसके बाद नारद मुनि जो अरेंजमेंट किए, क्योंकि वो एक गृहस्थी था, तो उसका उसकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी, लेकिन नारद मुनि ने जो अरेंजमेंट किया, श्रद्धावान जब वो बना उसके पश्चात, तो लोग जब मृगारी को देखे कि ये अघवान से पुण्यवान से श्रद्धावान से भाग्यवान बन गया, तो लोग ला ला के मृगारी को दिया करते थे। और इतना चढ़ावा, जिसको अगर हम कहें इतना चढ़ावा मृगारी को और उसके परिवार को मिलता था, उसके बीवी बच्चे मृगारी को पूछते थे अरे तू जब वो जानवरों को मारता था तब इतना नहीं खाने मिलता था, अभी कुछ नहीं करता है तो इतना खाने को मिल रहा है। तो अक्सर हमने देखा है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, खास तौर पर हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारी आश्रम में आप देखोगे, तो उनके परिवार वाले इनिशियली बहुत चिंता करते हैं। मेरी दादी आई थी मुझे मिलने के लिए जब मैं बंबई इस्कॉन मंदिर में था, और उस समय उनकी उम्र थी 95, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, थोड़ा बहुत दिखाई देता था, उनके खुद के करीब 7-8 बच्चे, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, और मैं उनका पोता, तो मुझे देखने के लिए इतना बड़ा परिवार, लेकिन ये
इसने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और ये बन गया, खानदान का नाम इसने मिट्टी पलीत कर दी। मैंने कहा इतना बड़ा खानदान, उसमें मुझे क्यों पकड़ रहे हो, इतने सारे जैसे है ना वो फैमिली ट्री, तो फैमिली ट्री में इतना बड़ा ट्री खड़ा किया आपने जिसके अंदर इतनी टहनियाँ, इतने पत्ते, सब कुछ, और वो अपने अपने आपके इच्छा अनुसार, आपके सपनों के अनुसार वो बहुत फल फूल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कोने वाला एक पत्ता, इसने दूसरे पत्ते नहीं किए, ये अकेला ही पत्ता रहा, तो इसका पत्ता कट हुआ। तो खोजते हुए कैसे, तो राजस्थान से ट्रेन पकड़कर, फिर बम्बई आकर, फिर इस्कॉन बम्बई में मेरी बुआ के साथ वो आई, और उनका पहला प्रश्न क्या था, मुझे देखा, बेटा खाने को क्या देते हैं लोग, पहला प्रश्न क्या था, खाने को क्या देते हैं ये लोग। तो जो हमारी बुआ थी वो थोड़ा जानती थी इस्कॉन के बारे में, तो वो कहती है, माँ इनको जितना मिलता है ना खाने को, आप उतना बना भी नहीं पाओगे, आप एक महीना एक साल इनको जितना एक हफ्ते में मिल जाता है। देखो हंस रहे हमारे ब्रह्मचारी यहाँ, क्योंकि सबका अनुभव है। उनके माता पिता जब ये लोग घर में थे, हम लोग सब घर में जब थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक आध आइटम यहाँ वहाँ के, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के बाद साइज से पता चल जाएगा आपको, साइज से पता चल जाएगा कि अघवान से भाग्यवान। तो मृगारी के साथ, हम मृगारी पर थे, तो मृगारी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसको जो चिंता थी, जब नारद मुनि ने कहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि तू इसकी चिंता मत कर, तेरी जीविका कैसे चलेगी इसकी चिंता मत कर। तो यहां पर ये हम सब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं इतने विस्तार से, क्योंकि यहां आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं कि अर्जुन यदि तुम्हारा कर्म ब्रह्म समर्पित करोगे तो तुम्हें कोई पाप अघ छू भी नहीं सकता। तुम डायरेक्टली बाहर के दृष्टिकोण से जिसको कोई कहेगा कि भाई खून खराबा करना, अपने सगे संबंधियों को मारना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, अघ। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जिसको बाहर की दुनिया अघवान बोलेगी, तुम यदि मेरे लिए करोगे या धर्म की स्थापना के लिए करोगे तो तुम क्या बनोगे, भाग्यवान। तो भगवान आज के श्लोक के द्वारा अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें भाग्यवान बनना है या नहीं बनना है। इसलिए हम इसी मुद्दे पर हमारे आज का प्रवचन इसको विराम देते हैं, फिर इसका अंतिम भाग हमारे अगले सिटिंग में होगा, कि हम चाहे कोई भी स्तर पर हों, इसके पहले जो हमने स्लाइड दिखाई जिसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि मनुष्य शरीर में होने के बावजूद हम आच्छादित चेतना के प्राणी जैसा जीवन जीते होंगे, जैसे कि धृतराष्ट्र, दुर्योधन उसने तो भगवान को डायरेक्टली बोल दिया कि भगवान मैं जानता हूं धर्म क्या है, मुझसे नहीं पालन होता, जानामि अहम धर्म
नचमे प्रवृत्ति, धर्म मैं जानता हूं परंतु मैं उसका पालन कभी नहीं कर सकता। जानामि अहम अधर्म नचमे निवृत्ति, अधर्म क्या है ये भी मैं जानता हूं, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो सोचो कि ये दुर्योधन कितना आच्छादित चेतना में था उस धृतराष्ट्र, क्योंकि किसका वंशज है ये, बेटा किसका है, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र गांधारी जो कि इसे पैदा किए उसी चेतना में, कौन सी चेतना में, कि स्पर्धा की चेतना में, हमारा बेटा सिंहासन हस्तिनापुर का वो धारण करेगा, सुख समृद्धि प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब की चेतना में। तो दुर्योधन धृतराष्ट्र मनुष्य योनि में होने के बावजूद वो आच्छादित या फिर जो हम कहेंगे वो पशुवत चेतना के अंदर, पशुवत चेतना में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें डायरेक्टली, चाहे हम किसी भी स्तर पर हो, हम आच्छादित स्तर पर हो, संकुचित चेतना के स्तर पर हो, मुकुलित चेतना के स्तर पर हो, डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पर आने का अवसर प्रदान किया गया है। हमें करना क्या है, जैसे कि अर्जुन ने किया, हमें उसे स्वीकार करना है और अपने जीवन को भगवान से केवल पुण्यवान नहीं बल्कि श्रद्धावान और भाग्यवान बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु की, हरे कृष्णा। तो आज का जो प्रसादम है वो श्रीमान संजय पवार इनके ओर से स्पॉन्सर हुआ है, क्योंकि आज गांधी जयंती है तो उनको हिंदुओं के आशीर्वाद ज़्यादा मिले, इसके लिए आज का प्रसाद स्पॉन्सर है। तो हम संजय पवार जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप 2 मिनट के लिए आगे आइए और एक छोटा सा उपहार जो है। हम धन्यवाद देंगे इनका 3 बार जोर से हरी बोल बोल के, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आज का जो ब्राह्मण भोजन है वो श्रीमान यशवंत कुलकर्णी इनके ओर से स्पॉन्सर हुआ है, तो उनको भी हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरी बोल बोल के, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। आने वाले बुधवार को बम्बई मंदिर से श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु आने वाले हैं, तो अगला गीतामृत जो है वो श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रभु लेंगे, तो आप सब उसके लिए आमंत्रित है। ये बहुत विशेष लेक्चर होगा तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आने वाले 13 तारीख से हमारे मंदिर में कार्तिक उत्सव शुरू हो रहा है, शरद पूर्णिमा से ये शुरू होगा, तो इसके लिए कई सारे सेवाएं होती है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उपक्रम होता है कि कार्तिक में हम अलग अलग भक्तों के घरों में, जो हमारे वेल विशर उनके घरों में दीपदान का कार्यक्रम लेते हैं, तो जो भी काउंसिलर्स है, प्रचारक है हमारे मंदिर के, और जो रेगुलर भक्त है जिनको इस सेवा में भाग लेना है और अलग अलग घरों में, अपने कॉलोनीज में, अपने सोसाइटीज़ में अगर उनको दीपदान का कार्यक्रम रखना है, तो आने वाले रविवार को भागवतम के बाद श्रीमान कृष्ण कीर्तन प्रभु यहाँ पे होंगे, तो उसकी मीटिंग आयोजित की गई है। तो जो भी भक्त इस सेवा में भाग लेना चाहते हैं कार्तिक दीपदान के, आने वाले रविवार के भागवतम क्लास के बाद आप सब इस मीटिंग के लिए आमंत्रित हैं, तो कृष्ण कीर्तन प्रभु यहाँ पे रहेंगे। और आने वाले 19 तारीख को हम एक परिवर्तन सेमिनार रखने वाले हैं, लिया जाएगा श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु द्वारा, मैनेजिंग योर इमोशंस अमिडस्ट कमोशन। तो जैसे अलग अलग सिचुएशंस में हमारे इमोशन इम्बैलेंस होते हैं, तो उसको कैसे बैलेंस करें और मैनेज करें, इसके लिए सेमिनार होगा, खास करके नए लोगों के लिए होगा। लेकिन अगर आपके कोई वेल विशर आने वाले हैं, आपके कोई मित्र परिवार आने वाले हैं, तो उनके साथ आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी भक्त आज हमारे मंदिर में पहली बार आए हैं, उनको अनुरोध करते हैं केवल 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए। जो भी भक्त आज हमारे सत्संग कार्यक्रम के लिए पहली बार आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।